हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल राइड ऑन व्हील्स। आज हम लोग निकल चुके हैं संडे स्पेशल ब्लॉक के लिए। आज हम लोग दिखाएंगे हम लोगों का श्यामनगर का जो लोकल रूट है, उस रूट का कुछ जगह जो अनएक्सप्लोर्ड है आप सबके लिए, क्योंकि हम तो यहाँ का लोकल रहने वाले हैं, तो हम लोग को तो ये सब जगह तो जाना सुना है ही। तो आप लोग भी हम सब के संग देखिए ये जगह, ये रास्ता कैसा है। और इस वीडियो में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, आप लोग देखते रहिए। बारिश हुआ है सुबह, वेदर ऐसा खास कुछ नहीं है। ये लोकल रोड है, इसलिए गाड़ी भी बहुत आ रहा है, रास्ता भी बहुत बिजी है। रास्ता भी इतना खास नहीं है, देख देख के गाड़ी चलाना पड़ रहा है। आज हम लोग दिखाएंगे जो कल्याणी एक्सप्रेस वे, जो बहुत ही चर्चित एक रोड है, जो कल्याणी से लेके शुरू होता है, एकदम बैरकपुर का एयरपोर्ट तक जाता है। ये रोड का नाम, जिस रोड से हमने आज का जर्नी, ट्रैवल का जर्नी शुरू किया है, इस रोड का नाम है वासुदेवपुर रोड। ये वासुदेवपुर रोड सीधा निकल जाता है कल्याणी एक्सप्रेस वे की तरफ। आज हम लोग वही कल्याणी एक्सप्रेस वे तक जा रहे हैं आप सब। फिर कल्याणी एक्सप्रेस वे जाके हम लोग दिखाएंगे जो रास्ता किधर जा रहा है। कल्याणी एक्सप्रेस रोड मतलब यहाँ से आप अगर लेफ्ट उठ के लेफ्ट के तरफ जाएंगे तो सीधा आपको मगरा तक जा सकते हैं, जो हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अगर आप दाहिने तरफ जाते हैं तो वो रास्ता सीधा आपको एयरपोर्ट तक लेके जाएगा। लोकल रोड मतलब जो वेस्ट घोसपारा रोड को अवॉइड करना चाहता है और बीटी रोड को अवॉइड करना चाहता है, शायद वो लोग के लिए ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये रास्ता में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं चलता होता है, रास्ता खाली भी मिलता है। और हर एक स्टेशन या टाउन बोल सकते हैं, जैसे कि इच्छापुर, पलता, बैरकपुर, खड्डा, टीटागढ़, शोधपुर, सब बस रूट का ये बाईपास होकर निकल जाता है। बहुत ही कम समय में आप कल्याणी से लेकर के या मोगरा से लेकर के आप एकदम एयरपोर्ट एक नंबर तक सीधा जा सकते हैं। चलिए आगे चलते चलते देखते हैं रास्ता कैसा है। बारिश से सुबह से शुरू हुआ है, रास्ता बहुत ही ख़राब है, इसलिए हम ज़रा धीरे धीरे बाइक चला रहे हैं देखिए कैसे जा रहा है। ऐसे तो बाइक चलाना, अपना सामने देखिए जा रहा है कैसे, ऐसे बाइक चलाना तो ठीक नहीं है। ठीक है, फिर ठीक है, मिलते हैं अगले। चलिए देखते रहिए, जब कल्याणी रोड हम लोग जाएंगे, उठेंगे, तब जाके फिर से बातें करते रहेंगे आपसे। एक्चुअली हर संडे को तो हम लोगों का स्पेशल ब्लॉग तो आएगा ही, जिनसे हम सब आप सबको दिखाएंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन हर संडे को देते रहेंगे। फिलहाल आज तो ये बाइक लेके निकलने का और भी एक मकसद है हम लोगों का, जो है, जो आप तो जानते ही हैं, पिछले 5 तारीख को हम लोग पूरी से लौट चुके हैं इसी स्कूटी को लेकर के। तो पहले भी बोल चुके हैं हम, जो हर एक लंबा राइड होने के बाद एक आपका जो मोटर बाइक है, मोटर बाइक को आप जरूर एक अच्छा मैकेनिक से आप सर्विसिंग करवा लीजिएगा। तो आज हम लोग वो मोटर बाइक सर्विसिंग कराने के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि आने और जाने में हम लोगों का जो पूरा पूरी राइड था उसमें करीबन 1100 का किलोमीटर सफ़र किया है। तो 1000 किलोमीटर होने के बाद ही एज पर लॉ जो होता है, एज पर रूल जो होता है, वो तो मोटर बाइक सर्विसिंग कराना ही चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग आज मोटर बाइक सर्विसिंग कराएंगे। तो सर्विसिंग कराने से पहले, जो पूरी से आने के बाद मोटर बाइक में कुछ डिफिकल्टीज हुआ कि नहीं है, ये देखिए, ये कल्याणी रोड तक हम तो पहुंच ही गए हैं। यहाँ से अच्छी तरीके से देख लीजिए, अगर बाएं तरफ आप जाएंगे तो सीधा कल्याणी होके मोगरा तक, हुगली के डिस्ट्रिक्ट का मोगरा तक जा सकते हैं। और अगर आप दाहिने तरफ जाएंगे
ये देखिए बाएं तरफ, ये देखिए ये दाहिने तरफ जो है ये सीधा बैरकपुर होके जा रहा है एयरपोर्ट तक। ये हमने बाएं तरफ का रास्ता पकड़ लिया, ये रास्ता सीधा आपको कोल्लानी लेके चला जाएगा, और कोल्लानी होके अगर आप सीधा निकल जाएंगे तो आपको हुगली डिस्ट्रिक्ट का मोगरा लेके चला जाएगा। मोगरा मतलब जो आप जीटी रोड, मोगरा जीटी रोड में आपको जाके मिला देगा। चलिए फिर, तो पहले जो जो बता रहा था आप सबको, जो पूरी तक जो हमने जो लंबा सफ़र किया है, मतलब 1100 किलोमीटर तक जो सफ़र किया है, वो सफ़र करने के बाद कुछ डिफ़िकल्टी सब लोगों का मोटर बाइक में आया कि नहीं आया है, ये चेक करने के लिए जो हम लोग ये मोटर बाइक का सर्विसिंग में देंगे, क्योंकि इस महीने के लास्ट में मतलब 30th को हम लोगों का और एक बड़ा राइड होने वाला है, क्योंकि हम लोग मोटर बाइक ड्राइव करके बनारस तक जाएंगे। तो बनारस तक जाने से पहले तो हम लोगों का मोटर बाइक फिर एक बार सर्विसिंग करा लेना चाहिए, इसलिए वो भी एक मकसद है। ये रास्ता के पास देखिए यहाँ भी डाइवर्सन का काम चल रहा है। एक्चुअली ये कोल्लानी एक्सप्रेस वे ये 6 लेन का रास्ता है, फिलहाल रास्ता का काम चल रहा है, अभी 3 लेन में ही गाड़ी चल रहा है, बाकी का 3 लेन अब बगल में जो देख रहे हैं जो ट्रक खड़ा हुआ है, ये बाकी का 3 लेन का काम चल रहा है फिलहाल। 3 लेन का काम ख़त्म होने के बाद वो पूरा 6 लेन का रास्ता हो जाएगा, तब ये रास्ता बहुत ही शानदार हो जाएगा। और इस रास्ते का एक बहुत खासियत है कि इस रास्ते के चारों तरफ आपको बहुत सारा नर्सरी, प्लांट नर्सरी मिलेगा। इस प्लांट नर्सरी से आप अपना पसंदीदा चाहे फूल का हो या फल का हो पेड़ खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा नर्सरी आपको मिल जाएगा। कोशिश करेंगे हम रास्ते में चलते चलते दिखाने के लिए, अगर एक दो मिल जाएगा तो ज़रूर दिखा देंगे हम सब। फिलहाल चलिए देखिए कितना अच्छा वेदर है, और ये देखिए कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है इधर देखिए। चलिए आगे जाके फिर बात करते हैं, कितना अच्छा नज़ारा है देखिए। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, इस रास्ते में आपको फ्यूल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा पेट्रोल पंप भी आपको मिल जाएगा। ऐसे हर सफ़र में हम जैसे कि करते हैं कि साथ में पेट्रोल इमरजेंसी में स्टोर रखते हैं, लेकिन इस रास्ते में ऐसे कोई दिक्कत में आपको पड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। ये देखिए बगल वाला जो हमारा रास्ता है, इसमें 6 लेन का काम चल रहा है। फिलहाल एक डाइवर्सन आ गया है, हम लोगों को ये डाइवर्सन के तरफ जाना पड़ेगा। डाइवर्सन रास्ता बहुत ही ख़राब है, और ये एक लोकल रूट भी है जो इसमें DN5 बोल के एक बस चलता है, जो नोयाठी से शुरू होकर बारासत तक जाता है। ये पूरा रूट ही ये एक ही बस है जो लोकल रूट में जो चलता है, जो नोयाठी से छोड़ के बारासत तक जाता है। और ये देखिए इस रास्ता के चारों तरफ सरकार प्रयास कर रहा है कि इस रास्ते को और भी शानदार बनाया जाए। इसमें कोल्लानी एनक्लेव बोल के एक टाउनशिप इधर बन रहा है, या बहुत ही अच्छा एक टाउनशिप बनेगा, तो इस रास्ता का नज़रिया और भी बदल जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स देखिए यह एक प्लांट नर्सरी भी देखिए, ये देखिए निशा नर्सरी, आप लोग के नज़र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है फिलहाल देखिए यह एक प्लांट नर्सरी है। इस तरफ देखिए ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है, उस तरफ देखिए 3 लेन का काम मोटा मोटी कम्प्लीट हो चुका है, अभी तक गाड़ी नहीं चल रहा है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलिए आगे तक देखते रहिए। ये फिर भी आगे एक डाइवर्सन आ गया है, चलिए हम लोग ये कोल्लानी रोड अभी छोड़ देते हैं, छोड़ के एक गाँव के रास्ते में घुस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं, तब तक देखते रहिए। ये गांव का रास्ता कितना, चारों तरफ कितना हरियाली है देखिए। ये देखिए खेतीबाड़ी का काम भी इधर बहुत अच्छा होता है, देखिए कितना अच्छा खेतीबाड़ी का काम होता है देखिए। ये देखिए देखिए कितना अच्छा एग्रीकल्चरल हो रहा है, कितना अच्छा खेतीबाड़ी का काम हो रहा है इधर देखिए। देखिए गांव का एक परिवेश देखिए कितना अच्छा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है देखिए फ्रेंड्स। और भी सामने आगे बहुत कुछ है, इधर बारिश हुआ है, बारिश के कारण ये रास्ता अभी
थोड़ा गीला हो चुका है और रास्ता भी बहुत अभी अभी खराब है। बीच ये देखिए बीच में सो गया है, ये एक तालाब है, तालाब आने वाला है, देखिए मतलब बाएं तरफ पड़ेगा। इस रोड में देखिए ऑटो सर्विस भी है, मतलब आप कहीं से भी आएंगे तो ऑटो ऑटो रिक्शा भी चलता है। ये एक तालाब है देखिए, इतना क्लीन है नहीं। फिर हम एक बाईपास एक बागान में घुस रहे हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छे तरीके से ये मेंटेन किया हुआ है, देखिए कितना अच्छे तरीके से ये मेंटेन किया हुआ है, देखिए कितना हरियाली हरियाली चारों तरफ हरियाली है, देखिए कितना ग्रीनरी, देखिए ये सीन, वाओ देखिए फ्रेंड्स कितना हरियाली हरियाली है। देखिए काशफूल खिल रहा है, मतलब ये काशफूल देख के देवी माँ का आगमन का संदेश है। ये जो काशफूल है देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, जो देवी माँ का आने का संदेश देता है हम सबको। देखिए एक बार खूबसूरत नज़ारा देखिए, कितना काशफूल है, देखिए ये काशफूल मतलब देखने के बाद ही देवी माँ का आगमन का एक संदेश आ जाता है, जो माँ आने वाला है। देखिए चारों तरफ कितना काशफुल है। फिर हम वापस लौट रहे हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर हम लोगों का ये वीडियो ये ट्रैवल ब्लॉग आप सबको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आप सबका फ्रेंड के बीच ये हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए तो तभी जाके हमारा ये चैनल आगे बढ़ेगा और हम लोग कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो हम सबको देने का कोशिश करेंगे। देखिए देखिए कितना देखिए कितना अच्छा परिवेश है, कितना अच्छा परिवेश का पर्यावरण है, देखिए कितना काशफुल कितना कितना काशफुल है। ये अश्विन मास है, अश्विन मास चल रहा है, देखिए कितना अच्छा काशफुल खिल रहा है। देखिए अभी हम लौट रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम लौट रहा है गाइस। ये देखिए रास्ते में सभी ये परिवेश का आनंद उठाने के लिए सभी आ चुके हैं इधर, हम भी हमारा तरफ हम सबके जैसा ये लोग भी आ चुके हैं इधर। ये आगे जाके मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर हम सबका ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सबके फ्रेंड के संग ये वीडियो शेयर भी कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके सबके साथ शेयर कीजिए, तभी जाके हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और जितना आगे बढ़ेगा हम सब कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने का कोशिश करेंगे। अभी हम सर्विस सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो सर्विस सेंटर में हम लोगों का गाड़ी देके अभी हमारा नेक्स्ट राइड के लिए हम लोगों का गाड़ी रेडी करना है, जो होने वाला है सितंबर के लास्ट डे, मतलब 30 सितंबर को हम दोनों निकल पड़ेंगे फिर वाराणसी के तरफ। वहाँ भी अच्छा खासा राइड होगा, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन हम दोनों आप सबको देते रहेंगे। अगला वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, हम आशा रखते हैं जो अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे और बनारस का देते रहेंगे आप सबको इन्फॉर्मेशन। यही जो है
आज का वीडियो यहीं पर, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगला वीडियो आने तक ज़रूर हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपका फ्रेंड्स के संग शेयर भी कीजिए। थैंक यू।